हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर। स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस। एंड टुडे आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी टू नरेट हिज स्टोरी, कल्याण दोरजे, अ माउंटेनियर, अ टीचर एंड लद्दाख्स फर्स्ट क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट जे एंड के इन द डोमेस्टिक सर्किट। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट कल्याण, कैसे हैं? मैं ठीक हूं, थैंक यू सो मच सर। Kalyan, you have been the first player from Ladakh to represent JNK at the domestic level. उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके का जर्नी रहा है वो? सर, I was extremely happy select होने के बाद। हम जम्मू कश्मीर पहली बार after like 70 years के बाद लद्दाख में एक selection हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर ने एक JKCC आया, यहाँ पे एक टूर्नामेंट चलाया जिसमें मेरे को मैन ऑफ द सीरीज मिला और वहाँ से हम चार लोग सेलेक्ट हो गए। फिर हम यहाँ से जम्मू गए, फिर जम्मू में जो ट्रायल मैचेस करवाए काफ़ी, तो मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो इसके वजह से फिर मुझे सईद मुश्ताक के लिए सेलेक्ट हो गया। तो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर द जर्नी वॉज लाइक आई कैनॉट एक्सप्रेस सर। जी, तो थोड़ा सा ये तो जेके जम्मू एंड कश्मीर की डेब्यू की बात हुई है, डेब्यू आपने कैसे किया, उससे पहले का जो आपका एक एक हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ तक आए, क्या क्रिकेटिंग जर्नी रहा है, क्या लाइफ जर्नी रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन बताइए। जी सर, बेसिकली आई वाज बोर्न इन लद्दाख, मगर फॉर्चुनेटली आई स्टडीड इन महाबोधि स्कूल व्हिच इज इन बेंगलोर, जहाँ मेरा अंकल है, ही इज ए मॉन्क, तो आश्रम में रहते थे हम काफी। तो आफ्टर सम टाइम सोसाइटी को एक अच्छा स्पॉन्सर मिला, तो हम जो है मैसूर में एक अच्छा सिर्फ बॉयज के लिए हॉस्टल बना। पहले हम मॉन्क के साथ रहते थे, तो ऊपर में जो आपको पता है प्लास्टिक का बॉल हो के, तो हम हर रूम में खेलते थे, काफी विंडो टूटा रहते, तो इसका वजह से तो लड़कों को हम मैसूर में शिफ्ट हो गया। देन आफ्टर सम टाइम मैसूर में हमारा जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गया कि एक त्रिशक्ति मेला बोल के एक टूर्नामेंट था जो मदर एसोसिएशन ऑफ मैसूर, तो उसमें टेनिस बॉल का टूर्नामेंट था, उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ मेरा, तो मैसूर यूनिवर्सिटी का कोच ने देखा तो उनके वजह से मैं सेलेक्ट हो गया। तो यूनिवर्सिटी में सर ने बोला कल्याण यू कैन ज्वाइन टू यूनिवर्सिटी कैंप। फिर मैं उसके बाद मैं अंडर 14, अंडर 15, फिर अंडर 17 जो है मंसूर सर हमारा कोच है, तो उनके अंडर में मैं काफी खेल के, तो उसके बाद आपको पता है मैंने काफी लीग मैच भी खेला, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैसूर में, तो चार साल मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया। एंड मेरा टीममेट रह चुके हैं, मनीष पांडे है, मयंक अग्रवाल मेरे जूनियर था, केएल राहुल है, तो मेरा टीममेट था जगदीश सुचित जो लास्ट ईयर सनराइज हैदराबाद के लिए रिप्रेजेंट करते, के गौतम है, कृष्णबा गौतम जो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइट आर्म स्पिनर है, जो मेरा टीममेट रह चुके हैं, हम लोग यूथ हॉस्टल में काफी एक एक महीना साथ बिताए थे। तो मैसूर में काफी है, के बी पवन है जो कर्नाटक का रिप्रेजेंट कर चुके हैं रणजी में, तो एंड धनंजय वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है जो हमारा सीनियर थे मतलब मैसूर यूनिवर्सिटी के कैंप में, तो उनका वजह से काफी मेरा इम्प्रूव हुआ। तो मैं टू बी होनेस्ट व्हेन आई कंप्लीट माय 10th 11th में मैंने एक दिन ही कॉलेज में गया था, बाकी पूरा दिन मैं धनंजय बोलो उनके साथ काफी खेला मैच खेला सर, तो उसके वजह से मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। देन लेटर ऑन 2010-11 में मैंने बीपीएड किया, उसके बाद फिर मैंने क्या बताऊं, फिर क्रिकेट का करियर थोड़ा सा स्टॉप करके फिर मैं लद्दाख में रिटर्न हो गया सर 2014 में। जी, व्हेन ये वापस क्रिकेट में कैसे आए उसके बाद? सर जैसे मैं 2014 में आया ले में, तो ले में तो आपको पता है टूर्नामेंट चलते रहता है, तो लद्दाख वाले बोले कि यहाँ पर स्पिनर स्पिन नहीं चलते, तो ले में जो है काफी छोटा ग्राउंड था, स्पिन भी नहीं चलते थे। लेटर ऑन जो है नीचे में एक ग्राउंड बना हिल काउंसिल के सामने, तो उसमें काफी ग्राउंड भी बड़ा था, तो सबने यही कहा कि लद्दाख में स्पिन नहीं चलेंगे, तो मैंने कोशिश किया स्पिन करने का, तो ऐसा था कि कश्मीर का एक अच्छा था KCC बोल के अच्छा टीम था, उनके खिलाफ मुझे पहला मैच में 6 विकेट मिल गया, तो इसके वजह से फिर बोला कि लद्दाख में स्पिन चल सकते हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं मैसूर यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, मैं जोन खेला हूँ, मेरा टीम मेट ये रणजी प्लेयर्स ये लोग है, तो कोई विश्वास करने के लिए जरूरत नहीं था, तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि भाई मैं खेल के आया हूँ तो मैं खेलूंगा। तो उस टाइम पर मुझे ये इंटेंस नहीं था कि मुझे हाई लेवल खेलना, तो उस टाइम पर मुझे था कि ले में अच्छा रिपर अच्छा खेलो, आपने टीम को जीता हुआ यही था। तो उसके बाद जैसे
2018 में जेकेसी वाला एक टूर्नामेंट आ गया तो मुझे एक होप मिला कि भाई इसमें मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं हाई लेवल खेल सकता हूँ। तो उसमें परफॉर्म किया था, उस टाइम पर जम्मू कश्मीर का कैप्टन परवेज रसूल जी भी थे, तो उन्होंने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ठीक है, आप स्पिन कर रहे हो, स्पिन घूम रहे बॉल, मगर आप जो है ज्यादा सीमेंट के ऊपर खेल रहे, मैट के ऊपर खेल रहे, आप जो है टफ में खेले हो कभी? मैंने बोला सर मैं टफ में खेल चुका हूँ, जो चेन्नई सुमी स्टेडियम में खेला हूँ, मैसूर गंगोत्री ग्लाइड्स में खेला हूँ, वहाँ सब में मेरा काफी एक्सपीरियंस है सर, मैं आप मुझे मौका दे दो मैं खेल के दिखाऊंगा सर। तो इस तरह से मेरा शुरू हो गया था। एंड परवेज भाई से क्या बात हुई है, यू नो यू हैव स्पेंड टाइम विद हिम इन द डग आउट और वैसे भी, तो क्या उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि ही इज बीन समवन हु इज यू नो जम्मू एंड कश्मीर से बहुत उन्होंने क्रिकेट खेला है, उसके बाद इंडिया के लिए खेला, आईपीएल खेला, तो क्या एक ट्रेनिंग होता ना ऑफ फील्ड ट्रेनिंग क्या रही है उनके? सर परवेज भाई के पास सब कभी भी जाओ वो मना नहीं करेंगे, तो कभी भी फोन भी करो वो फोन में रिप्लाई कर देते हैं सर, वो अपने आप को इतना बड़ा स्टार नहीं सोचते हैं जितना मैं पहले सोचता था। परवेज भाई भाई इंडिया रिप्रेजेंट करके आया, आरसीबी रिप्रेजेंट किया है, सनराइज हैदराबाद रिप्रेजेंट किया, जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल राउंडर, इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल राउंडर है रणजी में, जो 3 साल तक कंसेक्यूटिव रह चुके हैं, तो उनके सामने रिप्रेजेंट करना अच्छा लगा। तो वो खुद एक मतलब ये नहीं मानते कि मैं एक स्टार हूँ बोल के, नहीं, वो सब जो भी नया प्लेयर्स है उनको एंकरेज करते हैं, और उन्होंने बताया कि भाई जितना हो सकता है आप जो सीनियर प्लेयर से बातें करो, जितना बातें करेंगे उनका एक्सपीरियंस सीखेंगे। आपको पता है देखने के लिए तो आपके पास टीवी भी है, यूट्यूब है, आप देख सकते हो, मगर जब इंसान लाइव आपके सामने है तो उनके साथ बातें करो, जितना बातें करेंगे उतना क्रिकेट सीखेंगे। तो उनके हमेशा मोटिवेशन यही रहता है कि भाई यंग प्लेयर लोग आगे बढ़ना चाहिए और अपकमिंग प्लेयर को सपोर्ट करो। जी सर, यंग प्लेयर की बात करिए आपने, मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के क्रिकेट पे जाऊंगा, उमरान मलिक ने इस समय यू नो बहुत अपना इम्पैक्ट डाला है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरीके के बॉलर है, कभी बात बात हुआ है उनसे? सर उमरान मलिक के साथ सर मेरे ख्याल से हम दोनों ने एक ही साथ रेलवे के अगेंस्ट मतलब डेब्यू किया है, तो अभी वो जो है इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं लद्दाख में वापस आ चुका हूँ, मतलब मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैंने जैसे पहली बार जम्मू में देखा उसका काफी अच्छा मतलब फास्ट बॉलिंग करता है वो, तो काफी बातें हुआ था सर। तो जब जब भी हमारा जो लास्ट टाइम जो बेंगलोर में हम गया, जब हम मुंबई में ये विजय हजारे के लिए गया, तो हमारा मैं और उमरान मलिक का फ्लाइट का सीट हमेशा हम दोनों शेयर ही करते हैं एक साथ, तो हम दोनों काफी अच्छे बातें करते हैं सर। काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं आप लोग इसका मतलब? जी सर जी। अच्छा हेलन, कमिंग बैक टू लद्दाख, यू नो आपने लद्दाख में आपके गुरमीत ने, आपके जो फ्रेंड है, उन्होंने फर्स्ट एकेडमी इनॉग्रेट करी है, आप मतलब खोली है, तो इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, ये किस तरीके से प्लान हुआ और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर टू बी ऑनेस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा तो मतलब दर्शक को लगेगा कि मैं ये बातें बना के बोल रहा हूँ। मैं जैसे मेरा करियर खत्म हो गया था बेंगलोर मैसूर में, करियर खत्म हो गया था, तो उसके बाद मैं 2012 में डेकेथलॉन में काम किया एक साल के लिए, स्पोर्ट्स कंपनी है डेकेथलॉन में। जी जी। तो उस टाइम पर मुझे अच्छा सैलरी भी थे, तो मेरा एक ही एम था कि मैं लद्दाख में जाके एकेडमी खोलूं, उस टाइम पर 2012-13 की बात है सर, मेरा एम यही था कि लद्दाख में जाके एकेडमी खोलूं। तो मैंने काफी लोगों से बातें की है कि भाई आप फाइनेंस करो, इसमें फाइनेंस करो, सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, आप लोग पैसा डालो, एकेडमी खोलेंगे, क्रिकेट आगे बढ़ेगा। तो उस टाइम पर कोई चांस नहीं देखा क्योंकि हमारा यूटी नहीं बना था। फिर रिसेंटली मैं जैसे जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट करके आया, फिर मेरा को मेरा दोस्त है जिगमेत कालोन है, तो उनका दोस्त है गुरमेत, तो गुरमेत मैं पहले नहीं पहचानता इनको, तो उनका दोस्त है, तो कालोन बता रहे थे कि भाई गुरमेत का एम ऐसा ऐसा है कि उनके पास लैंड है, वो जो एकेडमी खोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों मिल गया तो आप दोनों का प्लान सेम है। तो गुरमेत जो है शौक के लिए क्रिकेट खेलते हैं सर, मगर ही इज नॉट ए प्रोफेशनल, और क्या बताएंगे, वो टेनिस का मैच खेलते हैं और क्रिकेट का बहुत शौकीन रखते हैं। तो फिर हम ये गुरमेत का साथ मिला, फिर मैंने गुरमेत ने बताया फिर क्या क्या करेंगे, ये लैंड है इसमें चलेगा, कितना नेट बन सकता है, तो मैंने बोला भाई ये नेट्स है, हम 4 नेट्स बनाएंगे, तो इसके फीस ऐसे ऐसे रखेंगे ताकि आपको लॉस नहीं हो। सर टू बी ऑनेस्ट गुरमेत ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि इंडिपेंडेंस कि मेरे को बोलता है कि बिजनेस हम दोनों 50-50 करेंगे, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 100% उसका ही है सर अभी, तो हम दोनों का बात ऐसे हुआ था। मैंने एक स्टोरी सुनी है गुरमीत के बारे में, जहाँ उस कार जो टैक्सी वो ओन करते थे एंड ही सोल्ड दैट ऑफ टू यू नो अक्यूमुलेट द मनी, वो पैसे अरेंज करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, हमारे व्यूअर्स बहुत सुनना चाहेंगे वो।
सर आपको पता है लद्दाख में जो है टैक्सी का रेट काफ़ी हाई है, एंड टैक्सी अगर आपके पास टैक्सी है तो इन सीज़न आप जो है 2-3 महीने में काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो वो काफ़ी साल टैक्सी चलाया, तो जैसे मैंने क्रिकेट एकेडमी का प्लान बताया तो उनका भी एक ही एम था कि क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो बड़ी तरह से खोलेंगे, छोटा सा नहीं खोलेंगे, एक नेट या दो नेट का नहीं खोलेंगे, तो कम से कम 4 नेट्स का है। फिर हमने एस्ट्रोटर्फ के बारे में बताया तो उसने कॉस्टिंग लगाया कि पैसा इतना इतना हो रहा है, तो कॉस्टिंग लगाया। फिर उसने बोला भाई मेरे पास एक ही एसेट है जो मैं बेच सकता हूँ, तो उसने बोला कि मेरे पास इनोवा है, तो अगर मैं इनोवा बेचूंगा फिर एकेडमी जो है रियल में रियल होगा, रियल से रियल हो जाएगा। तो उसने एक सर इमोशनली उसने जो है टैक्सी बेच दिया, फिर उसके पैसे से फिर एकेडमी जो है जो भी कंप्लीट करना था सब कुछ काम कंप्लीट हो गया था सर। वो दोनों के लिए काफी हार्ड था, तो उसने बोला भाई अभी 2 साल से जैसे एकेडमी में आपको पता है इंस्टेंट पैसा एकदम आता ही नहीं है, जैसे टैक्सी में एक सीजन में आ जाता है, तो उसने बोला कि भाई पैसा तो आगे से आएंगे। अभी उन्होंने ये भी बताया कि अभी जैसे मैं एकेडमी खोलूंगा टैक्सी चलाएगा तो मैं अकेला के लिए पेट भरूंगा, अगर मैं टैक्सी के पैसे से मैं एकेडमी खोल सकता हूँ तो मैं कम से कम लद्दाख का कम से कम अपकमिंग क्रिकेटर लोगों को मैं मदद करूंगा इनडायरेक्टली, तो आई विल बी हैप्पी, तो उसका सोल को एक शांति मिलता है। और रिस्पांस किस तरीके का है, क्योंकि लद्दाख में एकेडमी खुल रहा है तो रिस्पांस, क्योंकि क्रिकेटर क्रिकेट जो है ना क्रिकेट एंथुजियास्ट जरूर होंगे लद्दाख में बहुत, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है अब आपको? सर हमने ये विंटर में अभी एकेडमी स्टार्ट किया था, तो ये विंटर जो है अनटाइमली होते हैं क्योंकि विंटर में आपको पता है लद्दाख वाले आइस हॉकी के लिए जाने जाते हैं, तो विंटर स्पोर्ट्स काफी होते हैं, आइस हॉकी होते हैं, फिर आइस क्लाइंबिंग होते हैं, फिर आपको पता है चादर ट्रैक होते हैं, ये सब है। तो मुझे काफी रेस्पॉन्स थोड़ा सा लो मिला, मगर ले में जो है क्रिकेट बहुत है सर, क्वांटिटी क्रिकेट बहुत है, मतलब आइस हॉकी का 2-3 टूर्नामेंट चलते हैं मगर क्रिकेट का 35-40 टूर्नामेंट चलता है ओवरऑल लद्दाख में, तो लद्दाख में क्रिकेट खेलने वाला बहुत है मगर जो भी खेलता है वो क्वांटिटी क्रिकेट खेल रहा है, क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। तो मेरा और गुरमीत का एम यही है कि एक क्वालिटी क्रिकेट बनाए, और हमारा ये भी एम है कि अभी हमने बड़ों बड़ों से बातें भी की है कि सर अभी स्पॉन्सर ढूंढने के लिए स्पॉन्सर भी ढूंढ रहे हैं सर, ताकि हम अंडर 17 का टूर्नामेंट कर सके, अंडर 19 का टूर्नामेंट कर सके। एंड मैंने इतना भी बताया जो लोग अभी मेरे पास है 15-16 लड़के है, तो मैंने ये भी बताया कि मुझे गवर्नमेंट से थोड़ा सा फाइनेंस मिलेगा तो मैं आपको ऑल इंडिया टूर करवाऊंगा, मतलब यहाँ से दिल्ली जाओ 2 मैच खेलो, मैं मैसूर में लेके जाना चाहता हूँ उनको जो 2 मैच खेलो, जैसे अकेडमी का साथ खेलेगा उनको मैच्योर हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि बाहर का क्रिकेट कैसा है, तो ये कल्चर लाने का कोशिश कर रहे हैं सर, हमारा एम यही है जी। ये तो गई आपकी एकेडमी की और यू नो गुरमीत की जर्नी, आपकी अपनी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, मैं दोबारा उस जगह पे जाऊंगा। आप माउंटेनियरिंग भी करते हैं, आपने डिकैथलॉन में भी काम करा, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और ज्यादा करिए हमारे व्यूअर्स के लिए, अगेन आई वुड से थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सर जैसे 2012 में मैंने करियर मतलब क्रिकेट का करियर खत्म हो गया, मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया था, तो मुझे एक मास्टर करने का शौक था, एंड मैं मैसूर में एक साल मैंने वार्डन भी कर चुका, जब मैं बीपीएड करते टाइम पर मैं सुबह शाम बीपीएड क्लास में अटेंड करता था, बीच में मैं जो है ये क्या बोलता है वार्डनिंग का भी काम कर लेते थे वो हॉस्टल में जहाँ मैं खुद महापुरी का वहाँ है, तो सब लोग मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेबल भी देते थे कि आप यहाँ यहाँ कर रहे हो तो आपका ये काम है बोल के। तो उसके बाद हमने ये किया सर, फिर मैंने मुझे एमपीएड करना था मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ताकि मैं सोचा मैं लेक्चरर बनूंगा, तो मैं मैसूर से आया, मेरे पास पैसा कमती था, मैं ट्रेन के अंदर आया, ट्रेन के बाथरूम में घुस के आया, फिर मैं मध्य प्रदेश गया, LNUP में गया, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में गया सर, फिर वहाँ पे था 900 स्टूडेंट था इंट्रेंस के लिए और सीट था 75, तो मेरा वेटिंग लिस्ट 5 में आ गया था, तो मैं फिर वहाँ पर मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैं उस वो वहाँ पर मुझे एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके वजह से मैं लद्दाख में वापस पहुँचे, तो मेरा एक जयो टशिन रुबू जयो बोल के दोस्त है, तो उसका जो एक कैंपिंग चलाता है स्टोक कंगरी में, जो स्टोक कंगरी है 6150 मीटर अबो सी लेवल है, जो इंडिया में वन ऑफ द ट्रैकेबल माउंटेन है जिसके ऊपर आप जा सकते हो, इवन यू आर कमिंग प्लीज यू कम आई मेक यू टू सबमिट, तो मेरा जर्नी वहाँ हो गया, तो मैं कैंप में बैठता था, देन दिल्ली का एक NGO है जहाँ पर अभी स्पेशल चिल्ड्रन को जो है उन लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें था एक अंधा भी था एक गूंगा था, तो उनको जो सबमिट करवाना था, शायद मेरा ख्याल से उनका इंस्टीट्यूट का नाम है मनावे, तो उनके पास गाइड थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो मैंने बोला भाई
अंधे वाले कर्नाटक का गुलबर्गा का था, जिसका आंख बिल्कुल दोनों बंद था। तो मेरा एक दोस्त है सनी है, तो मैं और सनी बोला भाई इसको कंधे में उठा के कैसे भी हम सबमिट करेंगे। तो उस टाइम पर था -20 टेम्परेचर था, तो उनके लिए -20 था, हमारे के लिए तो बॉडी गर्म था क्योंकि उसको तो कंधे के कंधे मिला के हम लेके जा रहा था। तो हमने सबसे पहला सबमिट था, मेरा पहला सबमिट था स्तोकनरिका एक अंधे के साथ। तो वो अंधे को हमने सबमिट करवाया, फिर उसको लाया, तो उसने खूब सारे आशीर्वाद दिए और खूब सारे कनाडा में। मैंने इतना उसको कनाडा आता है, तो मेरा को कनाडा छोटा थोड़ा मोड़ा आता है ना, ये कनाडा में गाना गा गा के लेके गया, ये चल्ली दरो मल्ली के ये गाना वो गाना, तो उसको काफी खुश हुआ, सबमिट हो गया। तो फिर माउंटेनियरिंग के बाद फिर हम माउंटेनियरिंग ऐसे स्टार्ट हो गया। तो सीजन में जो यही कमाता था, फिर विंटर में मैं 2 साल अरुणाचल में टीचर का काम करने के लिए गया था, दयुन में जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है। फिर 1 साल फिर मैं इधर गया था मुनार में, जहाँ मेरा और एक माउंटेनियर दोस्त था, तो मुनार में सुधीश बोल के है, मुनार उनके पास गया। फिर विंटर में मैं वहीं भी काम किया। फिर अभी मैं कम्प्लीटली लद्दाख में सेटल हुआ कि सिर्फ क्रिकेट को चलाना चाहता हूँ सर, बस। तो क्रिकेट को चलाना चाहते, ये तो खैर बहुत ही बढ़िया बात है। लास्टली कल्याण एक चीज पूछूंगा, अगर आपको चूज करना हो ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर और ऑल टाइम फेवरेट रोल मॉडल, क्रिकेटिंग रोल मॉडल, तो आपके लिए कौन है? युवराज पाजी सर। कौन कौन? युवराज सिंह। युवराज यूवी 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 पाजी। तो वेल पाजी, वो तो सबके फेवरेट है। आई मीन मेरे ख्याल से इंडिया में, इंडिया या वर्ल्ड में कोई नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम फ्लिंटॉफ, जो उन्हें शायद पसंद नहीं करता मेरे ख्याल से और कोई नहीं होगा। सो यस जी 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 सर, प्लीज फ्लिंटॉफ मुझे काफी पसंद है। थैंक यू कलन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मैं एक चीज बोलूंगा वो आपको रिपीट करना है। मैं बोलूंगा क्रिकेट मतलब, आपको बोलना है क्रिकेट नेक्स्ट, बस। ओके ठीक है, तो क्रिकेट मतलब Cricket next. Thank you for talking to us. Thank you for joining us and thank you for your time, Kalyan. Thanks. Thank you so much, sir. Well, all you guys out there, keep following us on our social media handles, Instagram, Twitter and Facebook, and follow our YouTube channel, Cricket Next, kyunki cricket matlab, cricket next.